गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं अपना ब्लॉग ऐसे स्टार्ट करती हूँ, पर फ्रेंड आज मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाले है मेरे लिए। आप लोगों के लिए कैसे होने वाले पता नहीं, आप देखोगे तभी पता लगेगा। क्योंकि मैं रोज़ अपना सारा घर का काम दिखाती हूँ, पर मैं ये काम भी करती हूँ ना, ये नहीं दिखा पाती। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का अलग से एक वीडियो बनाया जाए और आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो मेरे जैसे ही दिमाग में ये आया, तुरंत मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया एकदम शुरू से। जैसे आप सबको पता लगे मैं कैसे अपने पौधे का मतलब देखभाल करती हूँ। और फ्रेंड ये मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं, मैं मतलब एक हफ्ते 10 दिन छोड़कर ही मैं ये करती हूँ। पौधे पे पानी तो मैं एक टाइम डालती हूँ, दो टाइम नहीं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम मैं दो टाइम डालती हूँ और थोड़ा सा छाँव में भी रख देती हूँ। और ये ना हमारा जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये जहाँ से मतलब सूर्य उठते दूसरे तरफ है, तो इस वजह से इसका जो मतलब तेज़ रोशनी है पौधे पे पड़ते नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब मुझे एक बार पानी देने से चल जाता है। और कुछ दिन से देख रही थी एकदम, जब से बंदर ने दो मेरा टॉप तोड़ दिया था उसके बाद मैंने साइड करके रखा था, पर इसका ना बहुत सारे पत्ते हैं येलो हो चुका है। ये जो इतना लॉन्ग हो चुका है, ये मतलब दूसरे जगह पे लगाने के लिए बढ़ चुका है। तो इसको कट छट के सब करके अब मैं पानी डालूँगी। और उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा धूल हो गई है, तो उसी को मैं अच्छे से पानी से धो दूँगी, मतलब पूरा एकदम साफ़ करूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा खड़े खड़े बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक जगह पर बैठ के आराम से करते। और ये मेरे सामने यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने एक साइड पे सारा पौधे लेके आ गई थी और एक छोटा वाला बाल्टी में पानी। और ये जो देख रहे हो मग नहीं मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास वो मग था, वो कुछ काम कर रहे थे, इसी वजह से मैं ये प्लास्टिक वाला ये एक पतीला लेकर बैठ गई जिससे मैं पानी दूँगी। तो ये जो मेरा बड़ा वाला कैंची देख रहे हो, तो इसको मैं बस पौधे का पत्ता वगैरह काटने के लिए मैंने रखा है अलग से, तो उसी से मतलब उसी के मदद से मैं काट रही हूँ। ये जो लॉन्ग देख रही हूँ इसको मैं दूसरी जगह पे लगाऊंगी। और जो पीला हो चुका है जो पत्ता, उसको मैं सारे जो मतलब ख़राब हो चुका है वो सारे पत्ते मैं हटा दूंगी। तो चलो मैं कैसे करती हूँ, आप सब वीडियो में बने रहो और देखते रहो, आप लोगों को शायद वीडियो अच्छा लगे। तो प्लीज़ अच्छा लगेगा तो एक कमेंट करके जाना और लाइक शेयर तो ज़रूर करना। तो जहाँ वॉइस देने की ज़रूरत पड़ेगी मैं वॉइस दूँगी, तो आप देखते रहो वीडियो।
जो फ्रेंड मेरा हो चुका है तो मैं सारे खराब पत्ते को एक जगह पे कर लिया। उसके बाद में ना ये पानी से, मतलब पानी छिटक छिटक के इसके ऊपर जो धूल मिट्टी है उसको मैं अच्छे से धो दूँगी। और ये जो टब है मैं इसी को, मतलब ये सारे छोटे छोटे टब को मैं यहीं पे अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ूंगी। जब हस्बैंड का काम हो जाएगा फिर मैं जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लगा दूँगी। दूसरी साइड पे हस्बैंड काम कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और देखो मैंने कैसे पौधे का, मतलब धूल मिट्टी कैसे धोया पानी से। ये तो मैं रोज़ करती हूँ, रोज़ ऐसे मैं पानी देती हूँ जैसे धूल मिट्टी चले जाए और हरा हरा सा रहे। और मेरे, मतलब मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे, मतलब ये सारे पौधे से।